बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अहमद शाह अब्दाली की माँ की दुआ। अहमद शाह अब्दाली घर से निकला, सारा दिन सल्तनत का मुआयना करता रहा। शाम में वापस आया तो बहुत परेशान और किसी से गुफ्तगू नहीं कर रहा था, बस खामोश एक तरफ बैठ गया। इसकी बीवी दौड़ती हुई सास के पास गई, कहा, तेरा बेटा सल्तनत के मुआयने के बाद बिल्कुल गूंगा बहरा हो चुका है, किसी से बात तक नहीं कर रहा, आप जाके पूछे क्या मसला है। माँ ने बेटे के पास पहुँचते ही कहा, अहमद, अल्लाह तबारक व ताला तेरा ईमान सलामत रखे, तुझे क्या हुआ मेरे बहादुर बेटे। अहमद शाह अब्दाली के चेहरे पर खुशी के आसार दिखाई देने लगे और कहने लगा, मेरी प्यारी माँ, आपने वो मेरा मसला ही हल करवाया। माँ जो कि अल्लाह वाली खतून थी, जवाब दिया, कैसे मेरे जिगर के टुकड़े। कहने लगा, मेरी प्यारी माँ, मैं आज सल्तनत घूमने गया, हर बंदा मेरी तज़ीम में मोहब्बत बड़े अल्फाज कहता, किसी ने कहा तख्त सलामत रहे, किसी ने कहा तेरा बख्त सलामत रहे, कोई कहता तेरी औलाद सलामत रहे, शाही ताज सलामत रहे, कोई लाओ लश्कर सलामत की दुआ करते गए। इस वजह से मैं डर गया था माँ। माँ ने प्यार भरे लहजे में जवाब दिया, मेरे शेर दिल को किस चीज़ ने डराया। अहमद शाह अब्दाली ने जवाब दिया, लोगों ने तो बहुत सारी दुआएं दी पर मेरे ईमान की सलामती की दुआ किसी ने नहीं की। बादशाहत वही जगह है माँ जहाँ बंदे की ईमान को सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है, इसी वजह से मैं परेशान था, पर जैसे ही आपसे मुलाकात हुई आपने मेरे ईमान की सलामती की दुआ दी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस दुनिया में मेरी माँ ही वो हस्ती है जिसे हर वक्त मेरे ईमान की सलामती की पड़ी होती है। मेरी प्यारी माँ, मैं आज तहिया कर लिया था कि जिसने भी मुझे ईमान की सलामती की दुआ दी ये हज़ारों अशरफियाँ इनको दूंगा। अब ये पैसे आपके हैं। नेक माँ ने भी कमाल कर दिया, अहमद शाह अब्दाली से पैसे लेकर इससे मस्जिद बनवाई। आज भी मुल्तान में ये मस्जिद अंदरूनी शहर अल्लाह वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। सही कहा किसी ने कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। अपना ख्याल रखें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। शुक्रिया।